Hello learners, welcome back for the new video. In this video, we will see the theory of rapid scent filter, working of rapid scent filter and cleaning of or backwashing of rapid scent filter. Let's start. Rapid scent filter. First, we will see the introduction. RSF means rapid scent filter. Rapid scent filter differs from slow scent filter by the following way. Rapid scent filter जो है slow scent filter से different किस किस way में वो देखेंगे. First effective size and uniformity coefficient. Effective size जो है वो rapid scent filter की और slow scent filter की अलग अलग रहती है. Uniformity coefficient भी दोनों की अलग अलग रहती है. Uniformity coefficient अगर slow scent filter की uniformity coefficient 3 to 5 रहती है और rapid scent filter की 1.2 to 1.7 के बीच में रहती है. Then rate of filtration and filtration head. Rapid scent filter में rate of filtration ज़्यादा रहता है. Slow scent filter में rate of filtration कम रहता है. Slow scent filter में 100 to 200 liter per hour या फिर 0.2 meter cube per meter square per hour और rapid scent filter में 3000 to 4000 liter per meter square per hour या फिर 3 to 6 meter cube per meter square per hour. और filtration head भी दोनों में फर्क रहता है. filtration में rapid scent filter में ज्यादा रहता है और slow scent filter में कम रहता है. then method of cleaning of filter and cleaning frequency. cleaning जो है एक बार normal filtration stop करने के बाद जो cleaning करेंगे हम scent filter का वो भी differ करता है. rapid scent filter में backwashing किया जाता है cleaning के लिए, air washing किया जाता है. slow scent filter में सिर्फ ऊपर की जो sand layer रहती है वो निकाल के clean करके फिर से replace की जाती है. pre cleaning mechanism, cleaning frequency भी अलग अलग है. rapid scent filter में cleaning frequency 1 से 2 दिन तक दो दिन के हिसाब से रहती है depending upon the water quality. और slow scent filter में जो cleaning frequency रहती है वो 1 to 2 months या 1 to 3 months के आसपास रहती है. rapid scent filter effluent is pre-treated with sedimentation with coagulation. rapid scent filter का जो effluent है, effluent means incoming water जो आने वाला है, untreated incoming water जो होता है उसे effluent कहते हैं. तो वो जो है उसे pre-treatment देना जरूरी है. sedimentation और coagulation, sedimentation with coagulation करना जरूरी है before going for the rapid scent filter. then rapid scent filters are classified as rapid scent filter की classification है. gravity filter मोस्ट कॉमनली यूज इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट. रैपिड सेंट फिल्टर जो है वो ग्रेविटी फिल्टर है. जो मैकेनिज्म है विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी होता है और मोस्टली ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में यूज किया जाता है. देन प्रेशर टाइप फिल्टर, यानी जो फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म विद द हेल्प ऑफ प्रेशर बाय अप्लाइंग प्रेशर टू द वाटर, उस वो फिल्टर को प्रेशर फिल्टर बोलेंगे या प्रेशर टाइप रैपिड सेंट फिल्टर या प्रेशर टाइप सेंट फिल्टर. इट इज मोस्ट कॉमनली यूज इन STP सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट एंड कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट पे यूज किया जाता है. ये जनरली इधर देखिए, जो लेफ्ट साइड की जो डायग्राम दिख रही है वो लेफ्ट साइड की डायग्राम है फिल्ट्रेशन प्रोसेस के लिए बैक वॉशिंग की. फिल्ट्रेशन प्रोसेस में एरो दिखाया गया इधर देखिए. नॉर्मली जो डाउनवर्ड एरो दिखाया है वाटर फ्लो की जो डायरेक्शन है वो टॉप टू बॉटम है. और इधर जो है रिवर्स बैक वॉशिंग के टाइम पे क्या किया जाता है, वाटर जो है रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो किया जाता है. इधर वाटर की जो डायरेक्शन दिख रही है बॉटम टू टॉप दिख रही है. देन रैपिड सेंट फिल्ट्रेशन, इसेंशियल फीचर्स इन रैपिड सेंट फिल्टर या इसेंशियल पार्ट जो है रैपिड सेंट फिल्टर में कौन कौन से रहते हैं. इंक्लूजर टैंक, जो पूरी एंटायर सिस्टम है, सैंड बेड, पॉम्प्स, पाइप्स, एंडोड्रेनेज सिस्टम, रैपिड सेंट फिल्टर टैंक, ये जो है ये पूरा इंक्लूजर टैंक में प्रोवाइड किया जाता है. देन फिल्टर मीडिया, जैसे इधर देखिए जो डायग्राम है, डायग्राम में दिखा रहे हैं आपको ये फिल्टर मीडिया है, फिल्टर बेड है. ये जनरली सैंड का रहेगा, अगर सैंड प्रोवाइड किया गया तो सैंड का रहेगा, फिर अदर मटेरियल भी रह सकते हैं लेकिन नॉर्मली सैंड यूज की जाती है. देन बेस मटेरियल, बेस मटेरियल यानी जो सैंड बेड के नीचे जो मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है उसे बेस मटेरियल किया जाता है. वो सपोर्ट करता है सैंड बेड को, इसलिए उसे बेस मटेरियल या सपोर्ट मीडिया भी कहा जाता है. वो जनरली ग्रेवल का रहता है तो या फिर ऐसे मटेरियल का रहता है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा है सैंड से और उसकी साइज भी क्या है ज्यादा है सैंड से. देन अंडर ड्रेनेज सिस्टम, अंडर ड्रेनेज सिस्टम भी जो नॉर्मल फिल्ट्रेशन वाटर, फिल्ट्रेशन होने के बाद जो वाटर वो अंडर ड्रेनेज सिस्टम में कलेक्ट किया जाता है. अपार्टेनेंसेस में डिफरेंट डिफरेंट अपार्टेनेंसेस रहेंगे, जैसे एयर वेंट पाइप रहेगा, फ्लो मेजरिंग डिवाइस रहेगा, हेड लॉस मेजरिंग डिवाइस रहेगा. ऐसे डिफरेंट डिफरेंट क्या रहने वाले अपार्टेनेंसेस में डिवाइसेस रहने वाले.
तो इसेंशियल पार्ट जो है, इसेंशियल फीचर्स जो है वो वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट इंक्लूजर टैंक और कन्वेक्शन फिल्टर। ये इंक्लूजर टैंक है, ये जो है जो दिख रहा है ये सैंड बेड है। सैंड बेड के ऊपर वाटर जो है वो नॉर्मल फिल्ट्रेशन प्रोसेस के लिए प्लेस किया गया। और इसे क्या किया गया, इंक्लोज टैंक से क्या किया, ऊपर का जो पोर्शन है शेड शेड प्रोवाइड किया गया, इंक्लोज किया गया टैंक को। स्मॉलर इन साइज देयरफॉर कैन बी प्लेस्ड अंडर रूफ। अंडर रूफ तो इसकी जो साइज रहती है अपेक्षाकृत फिल्टर स्लो सैंड फिल्टर से बहुत कम रहती है, इसीलिए अंडर रूफ यानी इंक्लोजर टैंक में हम क्या कर सकते हैं, इसे प्रोवाइड कर सकते हैं। इकोनॉमिकल रहेंगे, अगर एरिया ज्यादा रहेगा सैंड सैंड बेड का, अगर एरिया ज्यादा रहेगा तो रूफ का एरिया ज्यादा लगेगा, उससे कॉस्ट भी ज्यादा रहेगी, इसलिए जनरली ये रैपिड सैंड फिल्टर में ही प्रोवाइड किया था स्लो सैंड फिल्टर में। रेक्टेंगुलर इन शेप एंड कंस्ट्रक्टेड ऑफ कॉन्क्रीट और मेसनरी। रेक्टेंगुलर शेप का रहता है और ये जनरली कॉन्क्रीट और मेसनरी का जो है वो कंस्ट्रक्शन किया जाता है। देन डेप्थ जो है इंक्लोजर टैंक की डेप्थ प्रोवाइड की जाती है 2.5 to 3.5 meter। देन सर्फेस एरिया 20 to 50 meter का जो सर्फेस एरिया है, इधर सर्फेस एरिया दिख रहा है हमें, ये सर्फेस एरिया है 20 to 50 meter square के बीच में आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है, अगर 20 से कम है तो 20 मिनिमम प्रोवाइड करना, अगर ज़्यादा आ रहा है तो 75 आ रहा है तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, 35 35 के दो प्रोवाइड करने पड़ेंगे, या फिर 32.5 के दो प्रोवाइड करने पड़ेंगे नंबर ऑफ सैंड फिल्टर। देन एल बाई बी रेशियो जो है डिजाइन करते समय एल बाई बी रेशियो 1.25 to 1.35 कंसिडर करना पड़ेगा। देन डिजाइन फिल्ट्रेशन रेट, फिल्ट्रेशन रेट जो है वो फिल्ट्रेशन रेट 3000 to 6000 liter पर स्क्वायर मीटर पर आवर, या फिर 3 to 6 meter cube per meter square पर आवर रैपिड सैंड फिल्टर का है। देन नेक्स्ट जो है वो इसेंशियल फीचर वो है फिल्टर मीडिया, दैट इज सैंड। रैपिड सैंड फिल्टर में जो है शुड बी फ्री फ्रॉम डर्ट, ऑर्गेनिक मैटर एंड अदर सस्पेंडेड सॉलिड्स। जो सैंड रहने वाली है उसमें कोई भी डर्ट अटैच नहीं होनी चाहिए, या फिर ऑर्गेनिक मैटर भी नहीं होना चाहिए, और अदर सस्पेंडेड सॉलिड्स भी अटैच नहीं रहना चाहिए। अगर ये रहेंगे तो नॉर्मल फिल्ट्रेशन में क्या होगा, वाटर के साथ फिल्ट्रेट के अंदर आ जाएंगे और जो हमारा ट्रीट किया वाटर है उसमें जाके मिक्स हो जाएंगे। इसीलिए जनरली इट शुड बी इसीलिए ये इट शुड बी फ्री फ्रॉम डर्ट, ऑर्गेनिक मैटर एंड सस्पेंडेड सॉलिड्स। देन इट शुड बी हार्ड एंड रेजिस्टेंट। वाटर पे जो प्रेशर रहता है, फिर वाटर पे जो हीट प्रोवाइड किया जाता है बहुत ज्यादा रहता है, वाटर का प्रेशर भी बहुत ज्यादा रहता है, इसलिए उसे रेजिस्ट करने के लिए जो सैंड चाहिए वो हार्ड और ड्यूरेबल चाहिए। अगर ये नहीं रहेगी प्रॉपर्टी तो क्या होगा कि जो सैंड है वो सैंड में जो वो जल्दी खराब होगा, जल्दी ब्रेक हो जाएगा, इसीलिए इट शुड बी हार्ड एंड रेजिस्टेंट। देन डेप्थ ऑफ सैंड मीडिया, सैंड मीडिया की जो डेप्थ है 0.6 to 0.9 meter प्रोवाइड की जाती है, और जनरली टॉप पर जो फाइन सैंड प्लेस की जाती है और बॉटम में जो वो कोर सैंड प्लेस की जाती है। इसका रीजन ये है कि नॉर्मली वैसा नहीं करना चाहिए, नॉर्मली क्या करना चाहिए, अपर अपर पोर्शन पे डायग्राम में देखेंगे, सपोज ये टैंक है और ये सैंड बेड है, अपर पोर्शन में क्या किया जाता है कि इधर लार्ज साइज के पार्टिकल्स प्रोवाइड की गए, सपोज लार्ज साइज के पार्टिकल प्रोवाइड किए तो, और नीचे फाइन साइज के पार्टिकल जो प्रोवाइड किए तो क्या होगा कि ऊपर जो रहेंगे जो लार्जर साइज के पार्टिकल है वो लार्जर साइज के पार्टिकल रहने की वजह से वॉइड्स जो है वो ज्यादा रहेंगे, यानी लार्जर साइज के पार्टिकल ऊपर के पोर्शन में क्या होंगे, रिमूव होंगे, और जब जो पार्टिकल ऊपर की साइज ऊपर रिमूव नहीं है वो नीचे क्या करेंगे, नीचे जाके नीचे रिमूव होंगे, क्योंकि नीचे फाइन सैंड रहने की वजह से उसमें जो वॉइड्स है वो वॉइड्स की साइज भी कम है। इसका एडवांटेज ये है कि जब टोटल जो डेप्थ ऑफ द सैंड बेड है वो टोटल डेप्थ ऑफ सैंड बेड यूटिलाइजेशन रहेगी, इन्हें ऊपर के लेयर में जो लार्जर सस्पेंडेड सॉलिड्स है वो रिमूव होंगे और नीचे के इसमें जो स्मॉलर सस्पेंडेड सॉलिड्स है वो रिमूव होंगे। लेकिन इसका डिसएडवांटेज मेन और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है, जब क्लीनिंग करना पड़ेगा हमें तो क्लीनिंग करते समय इधर की जो फाइन सैंड है, ये फाइन सैंड में जो सस्पेंडेड सॉलिड क्लॉग होंगे, जो मिडल की जो सैंड है उसमें जो पार्टिकल क्लॉग होंगे वो रिमूव नहीं हो पाते, या डेकोशन प्रॉपर नहीं हो सकता हो पाता, यानी फिर जब हम नॉर्मल फिल्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे तो वो सब पार्टिकल्स वाटर के साथ फ्लो हो जाएंगे। इसलिए क्या किया था कि ऊपर में जो है वो सैंड फाइन सैंड ऊपर में प्लेस की जाती है, और कोर सैंड जो है या फिर लार्ज पार्टिकल जो है वो क्या किया जाता है बॉटम में प्लेस किया जाता है। इस वजह से क्या होता है जो बैकवॉशिंग है वो बैकवॉशिंग जो है वो बैकवॉशिंग इफेक्टिव रहती है कोर्स नीचे और फाइन ऊपर प्लेस किए तो। ग्रेवल का भी सेम है, फाइनर एट द टॉप एंड कोर्सर एट द बॉटम। इफेक्टिव साइज जो है
सैंड बेड में जो सैंड की इफेक्टिव साइज है 0.35 to 0.6 एनएम में रहती है इफेक्टिव साइज पे। यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट 1.2 to 1.7 यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट रहना चाहिए। देन फिल्टर मीडिया जो बेस मीडिया है, बेस मटेरियल जो ग्रेवल है वो, तो उसकी जो थिकनेस है वो थिकनेस 45 to 60 सेंटीमीटर। देन अब लेयर वाइज जो है वो लेयर वाइज इधर डिस्क्रिप्शन दिया है, इधर भी देखिए जो फाइनल रेड का टॉप 3 to 6 mm की जो ग्रेवल रहेंगे वो टॉप पे रहेंगे, 20 to 50 mm की जो ग्रेवल रहेंगे बॉटम पे रहेंगे। सब चार लेयर में जनरली प्रोवाइड करेंगे, टॉप मोस्ट इंटरमीडिएट लोअर बॉटम 15 15 सेंटीमीटर की, और जो उनकी साइजेस है फाइनेस्ट एट द बॉटम एंड द कोर्सर एट द सॉरी फाइनेस्ट एट द टॉप एंड कोर्सर एट द बॉटम। इस प्रकार हमें क्या करना पड़ेगा, वो जो सैंड बेड का जो क्वालिफिकेशन है सर्टिफिकेशन जो इसमें आपने हमें करना पड़ेगा। देन अंडर ड्रेनेज सिस्टम, वो अंडर ड्रेनेज सिस्टम का फंक्शन क्या है, तो हमें पहले हमने लास्ट वीडियो में देखा है फ्लो सैंड फिल्टर में अंडर ड्रेनेज सिस्टम का यूज क्या है। तो अंडर ड्रेनेज सिस्टम का यूज यही है कि जो बेस मटेरियल का फिल्टर में फिल्टर मीडिया आर सपोर्टेड बाय द अंडर ड्रेनेज सिस्टम। अंडर ड्रेनेज सिस्टम जो है कि बेस मीडिया के नीचे जो अंडर ड्रेनेज सिस्टम रहती है तो अंडर ड्रेनेज सिस्टम सपोर्ट करती है बेस मीडिया, और बेस मीडिया किससे सपोर्ट करता है, सैंड मीडिया को, फिल्टर मीडिया को। ठीक, और अंडर ड्रेनेज सिस्टम कलेक्ट्स फिल्टर्ड वाटर एंड डिलीवर्स इट टू द रिजर्वायर। अंडर ड्रेनेज सिस्टम क्या करता है, फिल्टर्ड वाटर को कलेक्ट करता है और डिलीवर करता है रिजर्वायर, या फिर अदर उसके बाद की जो फर्दर ट्रीटमेंट इवेंट्स हैं उसे क्या करता है, सप्लाई करता है वाटर अंडर ड्रेनेज सिस्टम। लैटरल्स जनरली जो लैटरल्स रहते हैं वो अर्दन वेयर के रहेंगे या फिर कंस्ट्रक्टर रहेंगे, एक बार कंस्ट्रक्शन रहेंगे या फिर स्टील के भी प्रोवाइड किए जाते हैं जो सेटअप एकदम प्रॉपरली किया जाए। और अर्दन वेयर के जो डायमीटर 7.5 to 10 सेंटीमीटर डायमीटर रहेगा। देन स्पेसिंग ऑफ द लैटरल्स 2 to 3 मीटर सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। देन टू कलेक्ट फिल्टर्ड वाटर यूनिफॉर्मली ओवर द एरिया ऑफ ग्रेवल बेड, अंडर ड्रेनेज सिस्टम क्या करेगा, जो फिल्टर बेड पे का जो वाटर फिल्टरेशन के बाद जो फिल्टर वाटर है वो यूनिफॉर्मली कलेक्ट करेगा, यूनिफॉर्मली कलेक्ट करके मैनिफोल्ड में ट्रांसफर, मैनिफोल्ड में कलेक्ट होगा वाटर, मैनिफोल्ड के थ्रू क्या होगा वो वाटर आगे के ड्रेनिंग प्रोसेस के लिए जाएगा या फिर स्टोरेज के लिए डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाएगा। इट प्रोवाइड्स यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैकवॉश वाटर विदाउट डिस्टर्बिंग और अपसेटिंग ग्रेवल लेयर एंड फिल्टर मीडियम। ये जो है अंडर ड्रेनेज सिस्टम क्या करेंगे, ड्यूरिंग बैकवॉशिंग अंडर ड्रेनेज सिस्टम जो है बैकवॉशिंग का वाटर भी अंडर ड्रेनेज सिस्टम से जाता है, तो बैकवॉश का वाटर जो है बैकवॉश करने के लिए जो बैकवॉशिंग जो करने के लिए जो वाटर यूज किए गए वो भी अंडर ड्रेनेज के सिस्टम के थ्रू ही जाता है, और पहले ग्रेवल बेड्स के थ्रू जाता है और उसके बाद में फिल्टर मीडिया के थ्रू जाता है। इधर देखिए डायग्राम में बॉटम के अंडर ड्रेनेज सिस्टम है, बॉटम में ये जो बड़ा जो पाइप दिख रहा है वो मैनिफोल्ड है, और ये छोटे छोटे पाइप जो दिख रहे हैं आपके, ये छोटे छोटे पाइप जो है ये लैटरल्स है, लैटरल्स पे परफोरेशन प्रोवाइड किया कि वाटर पहले लैटरल्स में कलेक्ट होता है, लैटरल्स में कलेक्ट होकर बड़ा जो पाइप वो मैनिफोल्ड में आता है, मैनिफोल्ड के थ्रू वाटर जो है वो फर्दर ट्रीटमेंट के लिए जाता है, तो फिर रिजर्वायर में क्या होता है स्टोर होता है। तो ये था अंडर ड्रेनेज सिस्टम। और इस अगले इसमें हम अपर्टेनेंसेस देखेंगे, तो अपर्टेनेंसेस में जो है ये इधर भी दिख रहा है वॉश वाटर ट्रफ, ये भी एक अपर्टेनेंसेस है, यानी बैकवॉशिंग के टाइम पे जो वाटर बैकवॉशिंग के टाइम पे वाटर के अंदर बॉटम टू टॉप जाएगा, तो बॉटम टू टॉप जाने के बाद जो वेस्ट वाटर जो बोथ वेस्ट वाटर रहेंगे या फिर उसमें सस्पेंडेड सॉलिड जो वो ज्यादा रहेंगे, इसीलिए वो वॉश वाटर ट्रफ में कलेक्ट किया जाता है और बाद में इसे ड्रेन आउट किया जाता है या फिर से ट्रीटमेंट के लिए क्या किया जाता है पास किया जाता है। ये देखिए अंडर ड्रेनेज सिस्टम, इधर अंडर ड्रेनेज सिस्टम का कंस्ट्रक्शन चालू है, जो पाइप से ये पाइप जो है ये लैटरल से और सेंटर का जो पाइप रहेगा ये सेंटर का पाइप इधर मैनिफोल्ड रहेगा, इधर परफोरेशन सभी प्रोवाइड नहीं किए गए, वाटर जो वाटर पहले इसमें लैटरल्स में आएगा, ये लैटरल जो है लैटरल्स में आएगा और बाद में इधर का जो मैनिफोल्ड है ये मैनिफोल्ड में जो हमें वाटर कलेक्ट होगा फिर बाहर वाटर जो है वो रिजर्वायर तक जाएगा। डिवाइसेस आर रिक्वायर्ड फॉर अपर्टेनेंसेस, डिवाइसेस कौन कौन से यूज होते हैं, वॉश वाटर ट्रफ अभी बताया, वॉश वाटर ट्रफ का पर्पस क्या है, इस टाइप के वॉश वाटर रहते हैं जब बैक वॉशिंग करने के बाद जो वाटर रहता है उसमें सस्पेंडेड सॉल्ट ज्यादा रहता है तो वो वॉश वाटर ट्रफ क्या होती है, इसमें कलेक्ट होता है बाद में ये डिस्पोज किया जाता है या तो फिर से ट्रीटमेंट के लिए क्या किया जाता है वाटर पूरी सर्कुलेट किया जाता है, ये टाइप में रहते हैं अगर स्टील या फिर कास्ट आयरन के रहेंगे तो। देन एयर कंप्रेशर, एयर कंप्रेशर भी रहता है, जब बैकवॉशिंग करते हैं तो बैकवॉशिंग से पहले
एयर वॉशिंग भी किया जाती है, वाटर को जो सैंड बेड रहता है वो सैंड बेड में डिफ्यूज एरेशन किया जाता है, फिर कॉम्प्रेशन से या फिर प्रेशर के साथ क्या किया जाती है, एयर सप्लाई की जाती है। उससे क्या होता है, जो पार्टिकल्स सैंड को अटैच हो गए, जो सॉलिड पार्टिकल सैंड को अटैच हो, वो सैंड को उससे निकल जाते हैं और बैक वॉशिंग जो इफेक्टिवली होता है, इसलिए एयर कॉम्प्रेशर का यूज है। देन फ्लोरेट कंट्रोलिंग डिवाइस जनरली वेंचुरो टाइप रहता है। नहीं, जो फिल्ट्रेशन रेट है, फिल्ट्रेशन रेट हमें एक यूनिफॉर्म रेट से प्रोवाइड करना पड़ता है, तो उसके लिए फ्लोरेट कंट्रोल डिवाइस भी प्रोवाइड किया गया है, जनरली वेंचुरो टाइप का रहता है वो। देन गॉज टू मेजर हेड लॉस, हेड लॉस कितना हो रहा है, हेड लॉस क्या रहता है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया, स्लो सैंड फिल्टर की वीडियो में बताया और थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन में बताया हेड लॉस क्या रहते हैं। तो हेड लॉस मेजरमेंट के लिए प्रेशर गॉज प्रोवाइड किया जाता है। देन वर्टिकल एयर वेंट पाइप फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ फिल्टर लेयर, फिल्टर लेयर में कहीं एयर क्लॉग ना हो जाए, अगर एयर क्लॉग होगी तो वैक्यूम जो वैक्यूम क्रिएट होगा उसमें फिल्ट्रेशन रेट और फिल्ट्रेशन रेट प्रॉपर नहीं मिलेगा, इसलिए वर्टिकल एयर वेंट पाइप प्रोवाइड की जाती है। टेलीस्कोपिक ट्यूब टू मेंटेन कॉन्स्टेंट डिस्चार्ज, कॉन्स्टेंट डिस्चार्ज जो है वो मेंटेन रहना चाहिए, इसलिए टेलीस्कोपिक ट्यूब एडजस्टेबल रहती है, मूवेबल रहती है, फ्लोटिंग टाइप रहती है। वो क्या कहते हैं, जो वो एडजस्ट इस प्रकार होती है कि जो वाटर जो है आउटलेट में से जो वाटर जो है वो कॉन्स्टेंट रेट से जाए। मीटर टू मेजर फ्लो, फ्लो रेट मेजरमेंट के लिए भी एक मीटर है। एस्टिमेशन ऑफ डेप्थ ऑफ रैपिड सैंड फिल्टर, डेप्थ ऑफ रैपिड सैंड फिल्टर की जो डेप्थ है वो जनरली बताया गया है 0.6 to 0.9 मीटर के बीच में प्रोवाइड करना, लेकिन कितनी अच्छे में प्रोवाइड करनी चाहिए वो भी देखना है। डेप्थ ऑफ सैंड शुड बी सच दैट फ्लॉक शुड नॉट ब्रेक थ्रू द सैंड बेड, यानी उसकी डेप्थ इतनी होनी चाहिए कि अगर सपोज हमने छोटी सपोज इतनी छोटी फॉर एग्जांपल डेप्थ प्रोवाइड की, तो क्या होगा, जब वाटर फिल्ट्रेशन करेंगे जो पार्टिकल्स है वो पार्टिकल्स ये सैंड बेड के बाहर ना निकल जाए, तो इसलिए इतनी कम भी नहीं होना चाहिए और इतनी ज्यादा भी नहीं होना चाहिए कि जिसका यूज प्रॉपरली ना हो, पूरे पूरी तरह यूज ना हो, या फिर बैक वॉशिंग का टाइम पे प्रॉब्लम, इसलिए मिनिमम जो है या फिर ऑप्टिमम जो डेप्थ है वो डेप्थ हमें क्या करनी पड़ेगी, प्रोवाइड करनी पड़ेगी। उसके लिए फॉर्मूला जो है भी बताऊंगा मैं आपको भी। डेप्थ वेरीज फ्रॉम 0.6 to 0.9 मीटर और 60 to 90 सेंटीमीटर। देन मिनिमम डेप्थ रिक्वायर्ड इज गिवन बाय हुडसन्स फॉर्मूला, हुडसन्स फॉर्मूला से जो है मिनिमम डेप्थ रिक्वायर्ड फाइंड किया जाती है, वो फॉर्मूला है Q into DQ into H by L is equal to BI into 29323, एम्पिरिकल फॉर्मूला है। जो Q जो है ये फिल्ट्रेशन रेट है मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर पर आवर। देन D जो है वो पार्टिकल साइज है या फिर सैंड की जो साइज है इन mm में। देन H जो है वो हेड लॉस या फिर टर्मिनल हेड लॉस इन मीटर। देन L डेप्थ ऑफ सैंड बेड इन मीटर। देन बी आई ब्रेक थ्रू इंडेक्स और उसकी वैल्यू जो है वो 10 4 into 10 raise to -4 to 6 into 10 raise to -3, इसके बीच में हमें क्या करनी चाहिए, लेनी चाहिए इसकी वैल्यू। देख ये तो थी सैंड बेड की डेप्थ। अब ग्रेवल बेड की डेप्थ के लिए द रिक्वायर्ड डेप्थ इन सेंटीमीटर ऑफ अ कंपोनेंट ऑफ अ ग्रेवल लेयर बेस मटेरियल की चिप डेप्थ कितनी प्रोवाइड करनी चाहिए ऑफ साइज DMM कैन बी कंप्यूटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। एल इज इक्वल टू 2.54 इंटू के इंटू लॉग डी। इधर जो एल जो है वो एल है डेप्थ ऑफ ग्रेवल बेड और के वैल्यू जो के की वैल्यू जो कांस्टेंट है वो 12 लेनी पड़ेगी हमें, और डी जो है वो पार्टिकल साइज या फिर ग्रेवल की साइज है एमएम। तो होता है एस्टिमेशन ऑफ डेप्थ ऑफ रैपिड सैंड फिल्टर, जिसमें सैंड की डेप्थ कितनी है और ग्रेवल की डेप्थ कितनी है, इस ये फॉर्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं। देन वर्किंग एंड बैक वॉशिंग ऑफ रैपिड सैंड फिल्टर, अब वर्किंग किस प्रकार होता है रैपिड सैंड फिल्टर का और बैक वॉशिंग किस प्रकार होता है, डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा। जनरली वॉल्स इंपॉर्टेंट रहते हैं वर्किंग के लिए, वर्किंग में कौन कौन से वॉल ओपन करने चाहिए, बैक वॉशिंग में कौन से वॉल ओपन करने चाहिए। तो पहले बता देते हैं वॉल कौन कौन से है। ए है इन्फ्लुएंट वॉल, यहाँ से वाटर जो है वो इनलेट वाटर के लिए इनलेट के लिए वॉल प्रोवाइड किया गया है। डी जो है ये वॉश वाटर वॉल है, वॉश वाटर वॉल है बैक वॉशिंग के लिए, जो वॉश वाटर ड्रेन वॉल है जब जब बैक वॉशिंग होगा, बैक वॉशिंग के बाद जो वेस्ट वाटर या फिर हाईली टर्बिड वाटर जो जनरेट होगा उसे ड्रेन आउट करने के लिए एक वॉल प्रोवाइड किया गया है। सी जो है वो भी एक वॉश ड्यू जब फिल्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे, जब फिल्ट्रेशन स्टार्ट करते थोड़े समय में क्या होता है कि तब वाटर की क्वालिटी खराब आती है, तो वो वाटर की क्वालिटी खराब जो आती है वो भी वाटर हमें क्या करना पड़ेगा, ड्रेन आउट करना पड़ेगा, उसके लिए एक सी वॉल प्रोवाइड किया गया है। बी जो है वो फिर जब नॉर्मल फिल्ट्रेशन अच्छे से चालू हो जाएंगे यानी वाटर की क्वालिटी एकदम अच्छी आएंगी, तब बी वॉल जब वो ओपन किया जाता है और वो फिर वो स्टोर किया जाता है वो वॉल के थ्रू।
इधर एक और एक वॉल है, एफ वॉल है, इससे जो एयर जो है वो एयर पास की जाती है वॉल के थ्रू। ई वॉल है, वॉश वाटर जो है, वॉश वाटर यानी बैकवॉशिंग करते समय जो वाटर यूज होगा वो वाटर सप्लाई करने के लिए ई वॉल है। अब इसमें से नॉर्मल फिल्ट्रेशन के टाइम पे, अब जब नॉर्मल फिल्ट्रेशन करना है हमें, तब नॉर्मल फिल्ट्रेशन के टाइम पे हमें ए वॉल जो है वो ए वॉल ओपन करना है, यानी कि जो वाटर है वाटर ए वॉल से अंदर आएगा, इनलेट चेंबर में आएगा और यहाँ से सैंड बेड पे क्या होगा, वो सैंड बेड पे स्टोर होगा और नीट वाटर लेवल मेंटेन हो जाएंगे। ठीक है, फिर आदमी नॉर्मल फिल्ट्रेशन कैरी आउट करने के लिए वाटर जो वाटर डाउनवर्ड डायरेक्शन में कब फ्लो होना चालू होगा, जब ये बी वॉल है ये बी वॉल ओपन करेंगे, यानी नॉर्मल फिल्ट्रेशन में नॉर्मल वर्किंग में हमें ए और बी वॉल दोनों क्या करने पड़ेंगे, ओपन करने पड़ेंगे। ए वॉल से वाटर अंदर आएंगे और बी वॉल से वाटर जो ट्रीटेड वाटर जो बाहर जाएंगे और वो स्टोरेज टैंक में क्या हो रहेगा, स्टोर होगा। तो ये तो नॉर्मल फिल्ट्रेशन के टाइम पे, बाकी इस समय बाकी सभी वॉल जो वो हमें सभी के सभी वॉल क्या करने पड़ेंगे, क्लोज करने पड़ेंगे। अगर क्लोज नहीं किया तो वाटर जो वो अलग जगह ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे, इसीलिए इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ दो वॉल वर्किंग के टाइम पे सिर्फ दो ही वॉल ओपन करने हैं और बाकी सभी वॉल क्लोज करने हैं। अब ये तो था वर्किंग। अब जब बैक वॉशिंग करना है, यानी कि बैक वॉशिंग कब करते हैं, हमें पता है कि मैक्सिमम परमिसिबल हेड लॉस अगर डेवलप हो गया या फिर जो वाटर की क्वालिटी है जो बी वॉल में से जो वाटर आ रहा है उसकी जो वाटर क्वालिटी वो अच्छी नहीं आ रही, तो उस समय हमें क्या करना पड़ता है, नॉर्मल वर्किंग ऑफ जो सैंड फिल्टर है वो स्टॉप करना पड़ता है और बैक वॉशिंग के लिए या फिर क्लीनिंग ऑफ सैंड जो है वो स्टार्ट करनी पड़ती है। तो इस समय क्या करना पड़ेगा, सभी वॉल क्लोज रखेंगे, ए और बी वॉल वो भी क्लोज रखना पड़ेगा। अभी अब क्या करना पड़ेगा, इनिशियली जो जब हम स्टॉप करते हैं नॉर्मल वर्किंग, जब स्टॉप करते हैं तो नॉर्मल वर्किंग स्टॉप करते हैं, हम ए वॉल जो है वो स्टॉप कर दिया हमें। अब जो वाटर है वाटर की लेवल इनिशियली वाटर की लेवल क्या रहती है, इतनी रहती, ठीक है, स्टॉप कर दिया या फिर इतनी भी। अब इनलेट वॉल जो हमने स्टॉप कर दिया, बी वॉल जो है वो बी वॉल को थोड़ी देर ऊपर ही रखना, और ये जो वाटर लेवल है, ये जो वाटर लेवल बताया वाटर लेवल वाइल फिल्टरिंग, ये जो वाटर लेवल है ये वाटर लेवल को ये वॉश वाटर ट्रफ के एजेस तक लाना, इतनी ही वाटर इसकी जो लेवल है इतनी ही वाटर लाने का। फिर बाद में जो वाटर लेवल यहाँ तक रहेगी तो फिर बाद में ये जो वॉल है बी वॉल जो है बी वॉल को क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। वाटर लेवल कहाँ तक है ये तो मैं क्लियर करता हूँ, वाटर लेवल कहाँ तक है ये रेड लाइन ड्रॉ करता हूँ मैं, यहाँ तक है वाटर लेवल, ठीक है। अब क्या करना, ये ऐसा क्यों किया मैंने बता दो आपको कि अभी क्या करना है, मुझे एयर जो वो एयर सप्लाई करनी है ये सैंड बेड के थ्रू, यहाँ से एयर जो है यहाँ से एयर क्या होगी सप्लाई करूंगा, और यहाँ से क्या मैं एयर सप्लाई करने में जो बबल्स जो है बबल्स क्रिएट होंगे, डिफ्यूजन क्रिएट होगा, और वो डिफ्यूजन की वजह से क्या होगा, डिफ्यूजन की वजह से जो सस्पेंडेड पार्टिकल एयर सॉलिड्स है वो सॉलिड जो सैंड को अटैच हो गएंगे वो डिसलॉज हो जाएंगे, वो वहाँ से निकल जाएंगे और वाटर में मिक्स हो जाएंगे, और फिर बाद में वो जो है ये वॉश वाटर के थ्रू क्या हो जाएंगे, वॉश वाटर में क्या हो जाएंगे, जा सकते हैं। अब जो सैंड में अटक गया था, अटके हुए जो सस्पेंडेड सॉलिड्स गए थे, जो अटैच हुए थे जो सस्पेंडेड सॉलिड्स थे वो क्या होंगे, एयर के थ्रू क्या होंगे, रिमूव, बैक वॉशिंग के थ्रू भी होते हैं, लेकिन क्या जो इफिशियंसी वो उतनी इफिशियंसी मिलती है, टाइम ज्यादा लगता है, इसलिए क्या किया जाता है एयर भी सप्लाई किया जाती, कभी एयर नहीं भी सप्लाई करते और कभी एयर भी सप्लाई किया जाती, ठीक है। तो अब वो उसका जो रीजन बताता हूँ आपको कि मैंने जो वॉल जो है वो वॉल कहाँ तक, मैंने जो वॉल है वो बी वॉल जब वो ओपन क्लोज कब किया, जब वाटर लेवल यहाँ तक आती है तब तक। अब ये ऐसा क्यों किया, अगर ये मैं पूरा वाटर जो फीड कर देता था, ये पूरा वाटर जो मैं फीड कर देता था ये टैंक में, फिर पूरा जो सैंड है वो पूरा सैंड जो बेड जो वो खाली कर देता, तो क्या होता था, जब मैं रैपिड जब मैं बैक वॉशिंग करूंगा तो बैक वॉशिंग के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से जो वाटर लेवल है वाटर लेवल यहाँ तक मेंटेन करनी पड़ेगी, तो वाटर लेवल उतनी मेंटेन करने के लिए मुझे प्रेशर लगेगा, पंप्स यूज करने पड़ेंगे, यानी कि मेरी इलेक्ट्रिसिटी का यूज होगा, यानी इकोनॉमिक कॉस्ट बढ़ेगी, इसलिए वो कम करने के लिए क्या किया गया, इधर का जो वाटर है ये वाटर इनिशियली यूज ना करते हो, मैंने जो फिल्ट्रेशन के लिए जो वाटर लग रहा था वही वाटर यूज किया है, अब फिर बाद में एयर पास की, तो यही रीजन था कि मैंने जो वॉल है वो वॉल ये वाटर लेवल आने तक ही जो बी वॉल है वो बी वॉल को ओपन रखा था, बाद में क्लोज कर दिया। अब इतना होगा, अब थोड़ी देर के लिए एयर जो है वो एयर सप्लाई की मैंने, अब क्या करना है, एयर का जो वॉल है एफ वॉल जो है वो एफ वॉल क्लोज कर देने का, और जो ई वॉल है ये ई वॉल स्टार्ट करना है, ई वॉल जो है वो वॉश वाटर जो है वो वॉश वाटर की यूज करके बैक वॉशिंग के लिए जो वाटर यूज करेंगे हम वो। अब ये जो वॉश वाटर क्या होगा, बॉटम से टॉप ये डायरेक्शन में वर्टिकली अपवर डायरेक्शन में क्या होगा, वो वाटर मूव होगा। अब ये वाटर जब वर्टिकली अप डायरेक्शन में मूव होगा तो
इसकी वाटर लेवल बढ़ी है, और इसकी वाटर लेवल बढ़ने से क्या होगा, ये जो वाटर है, ये वाटर जो बैकवॉशिंग के बाद का जो वाटर है, ये वॉश वाटर ट्रफ में जाएंगे, और ये वॉश वाटर ट्रफ का जो है ये कनेक्शन जो है वो कनेक्शन दिया जाता है, या फिर ये जो वाटर है ये वाटर यहाँ तक आ जाएगा, इनलेट चेंबर तक आएगा, इनलेट चेंबर पे आने के बाद ये डी वॉल है, ये डी वॉल हमें क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना, ओपन करना पड़ेगा, और डी वॉल ओपन करने में जो बैकवॉशिंग का वाटर जो बैकवॉशिंग का वाटर जो वो वॉश वाटर ड्रेन में जाएगा, अब यहाँ तक आ जाएगा, और फिर अंदर कुछ वाटर जो वो इसके थ्रू आता है, अपने वॉश वाटर ट्रप के थ्रू आता है, वो भी क्या हो जाएगा, ड्रेन में जाएगा। तो इस प्रकार क्या किया जाता है, बैकवॉशिंग किया जाता है, इस प्रकार जो वॉल्स है वॉल्स का ऑपरेशन किया जाता है। ठीक है, अब ये था वर्किंग और वर्किंग ऑफ रैपिड सैंड फिल्टर एंड बैकवॉशिंग ऑफ रैपिड सैंड फिल्टर। अब बैकवॉशिंग होने के बाद क्या किया जाता है, 5 से 10 मिनट तक क्या किया जाता है, वो वाटर को क्या किया जाता है, पास किया जाता है, जो फिल्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है इनिशियली उसकी जो वाटर की क्वालिटी खराब रहेगी, क्योंकि बैकवॉशिंग के बाद कुछ पार्टिकल्स वहीं रह जाते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए उसकी वाटर की क्वालिटी इनिशियली खराब आती है। तो वाटर उस समय क्या किया जाता है, इनिशियली जब नॉर्मल फिल्ट्रेशन फिर से स्टार्ट करते हैं, ए वॉल जो ए वॉल ओपन किया जाता है और बी वॉल को क्लोज ही रखा जाता है, सी वॉल को जो है वो ओपन किया जाता है, जो वाटर जो फिल्ट्रेशन में आ रहा है वो वाटर सैंड के बेड के थ्रू, ग्रेवल बेड के थ्रू, ये जो लाइन है ये लाइन के थ्रू इस प्रकार के होगा, वो सी वॉल तक आएगा, सी वॉल ओपन करने का और वो वॉश वाटर ड्रेन में जाएगा। और ये 5 मिनट के बाद जब वाटर की क्वालिटी अच्छी आई तो क्या क्या करना पड़ेगा, फिर से हमें जो सी वॉल है वो सी वॉल को क्लोज करना है और बी वॉल को क्या करना है, ओपन करना है। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मल वर्किंग फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये था वर्किंग एंड बैकवॉशिंग ऑफ रैपिड सैंड फिल्टर। ये इमेज दिखाई दे रही है आपको, ये सैंड बेड है, ये जो है ये सैंड बेड है, ये भी सैंड बेड है, ये भी सैंड बेड है, ये जो है ये वॉश वाटर ट्रफ है, ये वॉश वाटर ट्रफ है। ठीक है, अभी नॉर्मल वर्किंग है, वाटर जो है वो पूरे टैंक में स्टोर किया गया है, टैंक में पर्टिकुलर ए लेवल तक क्या है, इनक्लोज टैंक में ए लेवल तक वाटर क्या है, एक लेवल मेंटेन करेंगे। एक्चुअल में इधर फिल्ट्रेशन चालू है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेट से हमें क्या करना है, फिल्ट्रेशन करना है, इसलिए जो इसकी मोशन है, मोशन दिखाई नहीं दे रही है, वाटर लेवल एक ही मेंटेन है, कॉन्सेंट्रेट से ये वाटर क्या हो रहा है, वर्टिकली डाउन डाउन जा रहा है, ये सैंड बेड के थ्रू वाटर क्या है, डाउन जा रहा है, जो नॉर्मल फिल्ट्रेशन है, नॉर्मल फिल्ट्रेशन जो है वो नॉर्मल फिल्ट्रेशन क्या है, कैरी आउट हो रहा है। तो ये था वर्किंग ऑफ रैपिड सैंड फिल्टर। और बैकवॉशिंग में क्या आएगा, वाटर जो है वो सैंड बेड के नीचे से आएगा, नीचे से आएगा। तो नेक्स्ट इमेज में दिखाता हूँ बैकवॉशिंग। देखिए बैकवॉशिंग में क्या किया जा रहा है कि अभी जो वो नॉर्मल वर्किंग है, वो नॉर्मल वर्किंग में वाटर जो है वो ये लेवल तक मेंटेन रहता है, ये लेवल तक वाटर जो मेंटेन रहता है। अभी क्या है, बैकवॉशिंग करे तो बैकवॉशिंग करते समय क्या है कि वाटर जो बॉटम से ऊपर आ रहा है, बॉटम से जो वाटर है, ये वाटर देखिए बॉटम से ऊपर आ रहा है, उधर टर्बुलेंस दिख रहा है, टर्बुलेंस से क्या कि जो इनिशियली जो एयर वॉशिंग किए गए हैं, वो एयर वॉशिंग के लिए टर्बुलेंस क्रिएट किया गया है, इधर एयर वॉशिंग के वजह से टर्बुलेंस क्रिएट हो रहा है। देखिए इधर अब एक एयर वॉशिंग होने के बाद एयर का जो वॉल है वो क्लोज किया था, वाटर जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड से अपवर्ड डायरेक्शन, नीचे से ऊपर क्या होता है, फ्लो होता है, और बाद में जो वाटर है वो वाटर सैंड बेड के बाद वो वाटर वॉश वाटर ट्रफ में क्या आता है, पास किया जाता है, और फिर बाद में वो ड्रेन आउट किया जाता है, फिर अगले ट्रीटमेंट यूनिट के थ्रू फिर से रिसर्कुलेट किया जाता है फर्दर ट्रीटमेंट के लिए, या फिर इनिशियली प्राइमरी सेडिमेंटेशन या फिर कोगुलेशन प्रोपुलेशन के पास सेंड किया जाता है। द नेक्स्ट एडवांटेजेस ऑफ रैपिड सैंड फिल्टर, ऑक्यूपाइज लेस स्पेस, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन बहुत ज्यादा है, इसलिए जो स्पेस रिक्वायरमेंट है रैपिड सैंड फिल्टर की वो कम है, फिल्ट्रेशन रैपिड है, हाई रेट से अपन हम क्या कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन कैरी आउट कर सकते हैं। देन वॉशिंग ऑफ फिल्टर इजी, फिल्टर वॉशिंग बहुत इजी है, सिर्फ स्किल सुपर रीजन है, स्किल लेबर वर्क लगेंगे, लेकिन जो ऑटोमेटिक जो रैपिड सैंड फिल्टर का बैक वॉशिंग है वो ऑटोमेटिक है, इसीलिए इजी कहा गया है। देन मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है रैपिड सैंड फिल्टर में एज कम्पेयर टू स्लो सैंड फिल्टर। देन डिसएडवांटेज क्या है, रिलेटिवली हाई स्किल्स ऑपरेशन रिक्वायर, जो लेबर वो स्किल लेबर लगेंगे, ऑपरेशन जो हाई स्किल का लगेंगे। देन कॉस्टलियर है इन टर्म्स ऑफ मेंटेनेंस, मेंटेनेंस के समय इसकी जो कॉस्ट है वो ज्यादा है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट क्या कम है। देन रिमूव्स बैक्टीरिया बाय 98 to 99% और 90% भी बोल सकते हैं हम। देन ये तो थे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज। देन कंपैरिजन ऑफ स्लो सैंड फिल्टर एंड रैपिड सैंड फिल्टर, तीन कॉलम है, एटम्स, देन स्लो सैंड फिल्टर और देन रैपिड सैंड फिल्टर। तो एटम्स फर्स्ट प्री ट्रीटमेंट, स्लो सैंड
फिल्टर में प्री ट्रीटमेंट क्या रिक्वायर्ड है, नॉट रिक्वायर्ड एक्सेप्ट प्लेन सेडिमेंटेशन, सिर्फ प्लेन सेडिमेंटेशन क्या प्रोवाइड करते हैं। लेकिन रैपिड सैंड फिल्टर में कोआगुलेशन, फ्लोकुलेशन, सेडिमेंटेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। देन बेस मटेरियल, ये सभी पॉइंट ऑलरेडी हमने देख चुके हैं, ऑलरेडी मैंने बता चुका आपको, लेकिन फिर भी एक बार समराइज करते हैं। बेस मटेरियल जो है, बेस मटेरियल 30-75 सेंटीमीटर डेप्थ चाहिए, और उसकी जो साइज है विथ 33-65 mm साइज ग्रेडेड ग्रेवल, ग्रेडेड ग्रेवल में हर एक साइज के पार्टिकल्स प्रेजेंट है, उसे ग्रेडेड ग्रेवल कहेंगे। देन इस रैपिड सैंड फिल्टर में ग्रेवल की जो बेस है वो 45-50 सेंटीमीटर डेप चाहिए, और उसकी साइज 3-50 mm, इन 4-5 लेयर में हमें क्या करना पड़ेगा, प्लेस करना पड़ेगा। देन सैंड फिल्टर सैंड जो है उसकी इफेक्टिव साइज है, वो इफेक्टिव साइज स्लो सैंड फिल्टर में 0.25-0.35, रैपिड सैंड फिल्टर में 0.45-0.7 mm, ये शायद इधर थोड़ा सा गलत हुआ है, ये बार वेरीफाई कर लेना रेफरेंस बुक से। देन यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट जो है इसकी 3-5 है, और जो रैपिड सैंड फिल्टर की जो यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट है 1.2-1.7। थिकनेस ऑफ द सैंड बेड 0.8-1 meter, 0.6-0.75 सेंटीमीटर नॉर्मली अडॉप्टेड, वो वैल्यू दिया इधर। देन अंडर ड्रेनेज सिस्टम जो है स्लो सैंड फिल्टर में, ओपन जॉइंटेड पाइप्स और ड्रेन कवर विद परफोरेटेड ब्लॉक, ओपन जॉइंटेड पाइप्स रहते हैं और ड्रेन जो रहता है कवर रहते हैं परफोरेटेड ब्लॉक से, यानी कि जो वाटर है वो परफोरेशन के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन जो पाइप्स है वो पाइप्स में जाएंगे। परफोरेटेड पाइप लैटरल जो है वो प्रोवाइड किया था, वो लैटरल नेक्स्ट मेन हेड रहने मैनिफोल्ड को कनेक्ट किया था। साइज ऑफ ईच यूनिट की जो साइज है 50-200 meter square, और इधर जो 110-200 meter square है। देन रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ये भी देखा है हमने कितना रहता है दोनों में। देन कॉस्ट जो है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो है वो हाई है स्लो सैंड फिल्टर की, लो है रैपिड सैंड फिल्टर की, और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो लो है स्लो सैंड फिल्टर की और हाई है रैपिड सैंड फिल्टर की। नेक्स्ट पॉइंट है इफिशियंसी इन टर्म्स ऑफ टर्बिडिटी रिमूवल, टर्बिडिटी रिमूवल में इफिशियंसी जो है वो लो है स्लो सैंड फिल्टर की, और इसकी जो जनरली जो टर्बिडिटी ऑफ सॉरी जरा बोला हाँ इफिशियंसी लो, और जो फीड वाटर जो है वो फीड वाटर है, जो वाटर इन्फ्लुएंट का जो वाटर लगेगा हमें वो वाटर जो है वो लो क्वालिटी का वाटर लगेंगे, जिसकी टर्बिडिटी जो 30 NTU से कम हो। और रैपिड सैंड फिल्टर में कोई भी वाटर टर्बिडिटी का वाटर लगेंगे, लेकिन उसको क्या चाहिए, प्री ट्रीटमेंट देना जरूरी है। देन रिमूवल ऑफ बैक्टीरिया 98-95% इधर अप टू 80%। देन सुटेबिलिटी, ये जनरली स्मॉल टाउन्स, विलेजेस और रूरल एरिया के लिए प्रोवाइड किया जा रही है, मेट्रो सिटीज, टाउन्स एंड सिटीज के लिए प्रोवाइड किया जाता है जहाँ पे वाटर रिक्वायरमेंट हाई है। देन पोस्ट ट्रीटमेंट स्लाइट डिसइंफेक्शन और कंप्लीट डिसइंफेक्शन इज अ मस्ट, और पोस्ट ट्रीटमेंट में कम डिसइंफेक्शन प्रोवाइड किया क्योंकि तो चलेंगे आपकी जो डोज है डिसइंफेक्टेंट का जो डोज है कम दिया तो चलेंगे, इसकी जो बैक्टीरिया रिमूवल एफिशिएंसी वो ज़्यादा है। रैपिड सैंड फिल्टर में कंप्लीट डिसइंफेक्शन प्रोवाइड करना जरूरी है। देन ईज ऑफ कंस्ट्रक्शन जो स्लो सैंड फिल्टर का ईजी है, रैपिड सैंड फिल्टर का कॉम्प्लिकेटेड है। देन स्किल सुपरविजन SSF यानी स्लो सैंड फिल्टर में नहीं लगते, इसेंशियल है रैपिड सैंड फिल्टर में। देन लॉस ऑफ एज है, वो इनिशियल लॉस ऑफ हेड है, जैसे हमने फिल्ट्रेशन स्टार्ट किया, फिल्ट्रेशन स्टार्ट करने जस्ट पहले जो हेड लॉस कहते हैं उसे इनिशियल हेड लॉस कहते हैं, और वो 10 centimeter रहता है SSF में, और RSF में रहता है 30 centimeter। फाइनल जो हेड लॉस है, मैक्सिमम परमिसिबल हेड लॉस वो 80-120 centimeter है, और इधर 250-350 centimeter है। देन मेथड ऑफ क्लीनिंग जो है, मेथड ऑफ क्लीनिंग किस प्रकार की जाती है स्लो सैंड फिल्टर में, स्क्रैपिंग एंड रिमूविंग ऑफ स्किम ऑक्सिडी की लेयर एंड 1.5-3 centimeter थिक सैंड है, जो ऊपर की जो 1.5-3 centimeter की जो लेयर वो रिमूव की जाती है, उसे क्लीन किया था और फिर आगे वही सैंड प्लेस किया थी, फिर दूसरे सैंड प्लेस किया थी। देन बैकवॉशिंग रैपिड सैंड फिल्टर में की गई, बैकवॉशिंग विथ और विदाउट कॉम्प्रेस्ड एयर एजिटेशन, कॉम्प्रेस्ड एयर के साथ भी बैकवॉशिंग की जाती है और विदाउट कॉम्प्रेस्ड एयर के साथ भी की जाती है, और जो बैकवॉशिंग है वो इजी है इसका रैपिड सैंड फिल्टर देखिए कि सब ऑटोमेटेड है। देन क्वांटिटी ऑफ वॉश वाटर रिक्वायर्ड, स्लो सैंड फिल्टर में क्वांटिटी वॉश वाटर की कम लगती है, 0.2-0.5% लगती है टोटल वाटर फिल्टर से, और इधर रैपिड सैंड फिल्टर में 1-5% लगती है, नॉर्मली 2% कंसिडर किया जाता है डिजाइन करते समय। देन क्लीनिंग इंटरवल जो है वो 3-4 months है, जो रैपिड स्लो सैंड फिल्टर का जो क्लीनिंग करना है वो 3-4 months में करना है, रैपिड सैंड फिल्टर में 1-2 days में क्लीनिंग करना है। तो ये था कंपैरिजन ऑफ स्लो सैंड फिल्टर एंड रैपिड सैंड फिल्टर। दिस इज ऑल अबाउट द
रैपिड सैंड फिल्टर. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.